हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम टू एंड वेलकम टू जैचर ब्लॉग्स। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, कैमरे से बातचीत बहुत टाइम बाद हो रही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को बता देता हूँ। मैंने लिया था रियलमी नार्जो 10, तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने सोचा बना दूँ, कुछ चैनल पे कंटेंट भी आ जाएगा और वीडियो की वीडियो भी बन जाएगी। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, हालांकि ये टेक का चैनल नहीं है, ब्लॉग का चैनल, बट मैंने लिया था तो मैंने सोचा अनबॉक्सिंग कर ही दे। तो मेरे गायब रहने का रीज़न कुछ खास था नहीं, बस मन नहीं था, एक पॉज सा ले रखा था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा फोन, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम करते हैं इसको कट। ये मंगाया था हमने फ्लिपकार्ट से। ये रहा हमारा फोन, इसको फेंको साइड में। ये रहा बिल, इसको इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है अभी। और ये रहा हमारा फोन, देख सकते हैं आप, रियलमी नार्जो 10। काफ़ी अच्छी पैकिंग करके दी है इन्होंने, तो आइए इसे कट करते हैं। ये हुआ कट। धूम 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 स्लो मोशन, जूम 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 जूम। और ये रहा, इस पर लिखा हुआ है वेलकम टू रियलमी फैमिली। मैं पुराना यूज़र हूँ तो उनको मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं। और ये रहा हमारा इसका केस फ़ोन का, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं, बट ये थोड़े टाइम के लिए सही है, ज़्यादा टाइम इसे यूज़ करना बेकार है। मैंने अपने पुराने फ़ोन में देख लिया। और ये रहा फ़ोन, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं, अभी हम बॉक्स चेक करते हैं। ये रहा इसका चार्जर, 18 वॉट का है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसकी डाटा केबल है जो जिससे हम डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उससे चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो आइए अब फ़ोन खोलते हैं, हम सबको कर देते हैं हम साइड। और हाँ, इसके अंदर एसएम इजेक्टर टूल, इसका सिम खोलने के लिए। तो ये रहा हमारा फ़ोन वाइट कलर में, दैट वाइट इसका कलर है। तो इसको खोला जाए, काफ़ी अच्छी पैकिंग करके दी। टैनन टैनन टैन फोन, ये इसका हम हटाते हैं ये स्टिकर। वो ये मैट फिनिश है, देख सकते हैं आप, काफ़ी कूल लग रहा है ये, पूरा मैट का है, इस पर स्क्रैचेस का भी ख़तरा नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में भी, हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इसके कैमराज हैं, ये है अल्ट्रा वाइड एंगल और ये है 48 मेगापिक्सल, और ये है ब्लैक एंड वाइट वाला इसका, और ये है मैक्रो लेंस। और यहाँ पे एक छोटू सा फिंगरप्रिंट और ये इसकी फ्लैश है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो जैक है और चार्जिंग जैक है और स्पीकर है इसका। और यहाँ एक छोटू सा कैमरा लगा हुआ है ऊपर स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। बट हाँ, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। और यहाँ साइड में इसके स्विचेस हैं ऑन ऑफ करने के, वॉल्यूम बढ़ाने के, और यहाँ पे सिम ट्रे है। सो आइए अब इसे ऑन करते हैं। ये देखिए, ये हुआ रियलमी पावर्ड बाय एंड्रॉइड। ये हुआ ऑन, और अब हम इसको इसकी सेटिंग्स सेट कर देते हैं, दे देता हूँ कि कैसा है। तो उसने हमें वेलकम कर दिया है, वेलकम टू रियलमी UI, गेट स्टार्टेड। और ये हो चुका हमारा फ़ोन ऑन, और ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है, न्यू फ़ोन, टैप हेयर टू माइग्रेट योर ओल्ड डाटा। फिलहाल हमें अभी भी इस पर कुछ नहीं करना है। सो वैसे तो मैं रियलमी का यूज़ करता हूँ, तो मुझे इसकी आदत है, बिल्कुल सेम है अंदर से, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है मेरे पुराने फ़ोन में और इसमें।
तो मैं इसका कैमरा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इसका कैमरा है, नॉर्मल कैमरा है वाला। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ वीडियो मोड है, यहाँ नाइट मोड है, और यहाँ 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। और ये इसके सम मोड्स, कुछ मोड्स इसके, टाइम लैप्स, अल्ट्रा मैक्रो, स्लो मोशन, एक्सपर्ट, पैनोरमा। तो आइए हम इसकी सेटिंग्स में चलते हैं और बताते हैं आपको इसके फीचर्स। तो इसका डिवाइस नेम तो Realme Narzo 10 ही है, वर्जन है बेस बैंड एंड कर्नल, और इसका एंड्रॉयड वर्जन है 10, जो कि Realme UI वर्जन है V1.0। प्रोसेसर इसका G80 है MediaTek, और रैम इसमें 4GB रैम है, और डिवाइस स्टोरेज इसमें वैसे तो टोटल 128 है, बट अवेलेबल इसमें 1112 है, यानी 112 है। और इसके लीगल इंफॉर्मेशन खैर इसका तो मैं कुछ लेना नहीं, मॉडल नंबर और बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना। तो काफ़ी कूल है ये फ़ोन दिखने में और चलने में भी। साउंड्स का इसके कुछ वॉलपेपर्स दिखाते हैं आपको, बदलने हैं तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इतना कोई वो नहीं है। इसके कुछ वॉलपेपर्स हैं यहाँ पे और भी हैं, मतलब अच्छे हैं काफ़ी। और इसकी तरह कंपनी की तरफ से कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल्ड होकर आते हैं, जैसे UC ब्राउज़र हो गया, WEPS हो गया, हेलो ऐप हो गया, और डेली हंट हो गया, ये सब कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, YT म्यूज़िक, YouTube, ये सब। तो बस काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन, और बाकी मैं इसका रिव्यू आपको बाद में दूंगा, इसको यूज़ करके बताऊंगा कि ये कैसा चल रहा है। तो फ़ोन को लिए हुए मुझे हो चुका है टाइम काफ़ी, तो मैं छोटा सा रिव्यू भी दे देता हूँ। काफ़ी वैसे फ़ोन काफ़ी चलने में अच्छा है, और इसका बैटरी बैकअप 5000 mAh का है, जो कि बहुत अच्छा है, और पूरा दिन आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं पूरा दिन भी यूज़ करता हूँ तब भी मेरी बैटरी बच जाती है बहुत अच्छी खासी। तो बैटरी का बैकअप में काफ़ी अच्छा है, और डिस्प्ले भी सही है, अच्छी है मतलब, और स्टोरेज भी बहुत बढ़िया है। बाकी कुल मिला के एकदम सही है 12000 की रेंज में, बट हाँ रैम 4 है, तो कोई नहीं इतना चलता है, मैनेज कर लेते हैं अगर इतना किसी को लेना है। वैसे फ़ोन एकदम परफेक्ट है, मैं यूज़ करके बता रहा हूँ आपको। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी नई वीडियो। सो दिल आपका बड़ा है, बिल अपना छोटा है, दुआ में रखना, चलो फोन चलता है, टेक केयर।